नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्त धनु राशि वालों, दोस्तों हम आप सभी प्यारे भक्तों को बता दें दोस्तों कि 11 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को आप लोग हो जाइए बेहद ही बेहद सावधान, क्योंकि दोस्तों आज आपके जीवन काल में बहुत बड़ी मुसीबत आने के संकेत आपके ग्रह गोचर दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जेल की रोटियां आज खानी पड़ेगी। आपकी एक गलती से आपके हाथों में आज दोस्तों हथकड़ियां भी लग सकती हैं और आपके ज़िंदगी पूरी तरह से आज बर्बाद भी हो सकती हैं। इसलिए अगर आप लोग अपनी सलामती चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल ही भूल से मिस ना करें और आज की इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि आज के दिन आपके ग्रह सितारे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन भी करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आज आप लोग कुछ गलतियां को करने से खुद को बचा लेंगे तो आज आपको अपने जीवन काल में दोस्तों तीन बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती हैं और यह खुशखबरी आपकी पूरी दोस्तों ज़िंदगी को ही खुशहाल बना सकती हैं। दोस्तों वैसे तो आज बुधवार का दिन है और आज बुधवार का दिन में दोस्तों भगवान गणेश जी का पावन दिन भी रहने वाले हैं। आज भगवान गणपति जी की विशेष कृपा आपके ऊपर रहने वाली हैं, लेकिन दोस्तों आज आपको कुछ सावधानी भी रखने की बेहद ही आवश्यकताएँ होंगी। तो आप लोगों को आने वाले ये 24 घंटे तक दोस्तों कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है, कौन कौन सी गलतियों को करने से बचना है और आज आप लोगों को क्या क्या खुशखबरी भी मिलने वाली हैं, क्या क्या परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में लेकर आने वाले हैं, आज आप लोगों को किन किन क्षेत्रों में दोस्तों लाभ की प्राप्ति भी होने वाली हैं, आप लोगों को हर एक जानकारियाँ दोस्तों आपको एक के बाद एक हम बताने वाले हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, आप इसे बिल्कुल भूल से मिस ना करें। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले भगवान गणेश जी के जितने भी सच्चे और प्यारे भक्त हैं दोस्तों, इस वीडियो को एक प्यार से दिल से ज़रूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिख दें जय हो गणपति बप्पा मोरिया, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आइए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस दिन की पंचांग के बारे में। दोस्तों इस दिन बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी का पावन दिन रहने वाले हैं। दोस्तों आश्विन मास की कृष्ण पद की त्रयोदशी तिथि रहेंगे और दोस्तों फाल्गुनी नक्षत्र का निर्माण होने जा रहे हैं और दोस्तों सूर्य कन्या राशि पर है और चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेंगे पूरा दिन और पूरा रात, और आज मंगल के भी प्रभाव आपके ऊपर रहने वाले हैं और बुध की भी महादशा चल रही हैं, जिस कारण से दोस्तों आपके ग्रह गोचर के अनुसार से आप लोगों को आज कौन कौन से बातों का ख्याल रखना है, आज आपके ग्रह सितारे दोस्तों आप लोगों के लिए क्या शुभ लेकर आने वाले हैं तो क्या शुभ लेकर आने वाले हैं, और आज आपके ग्रहों के अनुसार से किन किन क्षेत्रों में आपको कौन कौन सी गलतियाँ करने से बचना होगा ताकि दोस्तों आप आज किसी मुसीबत में ना फंसे। तो आप लोगों को सभी जानकारी हम बताएंगे, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों हम आप सभी को बता दें दोस्तों कि वैसे तो आने वाले यह दिन आप लोगों के लिए बेहद ही खास है, ग्रहों की स्थिति के अनुसार दोस्तों दिन तो बेहद ही खास है, लेकिन दोस्तों आज जो मंगल की
प्रभाव आपके ऊपर रहने वाले हैं। आज आप लोगों को कुछ सावधानी बरतने की बेहद ही आवश्यकता होंगी, क्योंकि दोस्तों मंगल ग्रह जो होते हैं दोस्तों बहुत ही क्रोधशाली ग्रह माना जाते हैं। दोस्तों जिन व्यक्ति के ऊपर मंगल ग्रह का प्रभाव पड़ते हैं दोस्तों उस व्यक्ति को बहुत जल्दी क्रोध आते हैं, गुस्सा आते हैं और वे व्यक्ति बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों में झगड़े करते हैं, विवादे करते हैं। तो ऐसे में आज आपके ऊपर मंगल ग्रह का भी प्रभाव रहने वाले हैं। तो ऐसे में आज आप लोगों को बेवजह के झगड़े करने से, बातचीत करने से, विवाद करने से, किसी प्रकार की लड़ाई में पड़ने से आप लोगों को बचने की बेहद आवश्यकता होंगी। और आज आप लोगों को क्रोध करने से, गुस्सा करने से आपको बचने की बेहद ही आवश्यकता होंगी। अगर दोस्तों आज आप अपने गुस्से को, क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आज बड़े विवाद हो सकते हैं, बड़े झगड़े हो सकते हैं, और जिस कारण से आज आप लोगों को थाने के, कोर्ट कचहरी के चक्कर तक भी लगाने पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि आप लोगों को आज जेल की रोटियां तक खानी पड़ेंगी, आपके दोनों हाथों में आज हथकड़ियां भी लग सकती हैं। तो ऐसे में आज आप लोगों को झगड़े करने से बहुत दूरी आपको रखने की आवश्यकता होंगी। आज आप लोगों को बिना मतलब से किसी से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, और आज आप लोगों को किसी को दोस्तों क्रोध से बात नहीं करना है, नहीं तो आज झगड़े भी हो सकते हैं। आज आप लोगों को शांति के साथ सभी लोगों के साथ बात करना है। आज आप लोगों को विवाद बिल्कुल भी नहीं करना है, झगड़े बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आज आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना आज करना पड़ सकता है। तो इस बात का आज आप लोगों को बेहद ही ख्याल रखने की आवश्यकता होंगी। दोस्तों अगर आज आपको आपसे बड़े कुछ दो बातें भी आपको बोल दे तो आपको उनकी बातों का आज बुरा नहीं मानना है। आज आप लोगों को उनकी बातों पर क्रोध नहीं करना है, झगड़े बिल्कुल भी आज आपको नहीं करना है। और साथ ही साथ आज आप लोगों को किसी को भी अपशब्द भाषाएँ का प्रयोग नहीं करना है, किसी प्रकार किसी को गलत बातें बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अगर दोस्तों आज आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों को ही समस्याएं, परेशानी झेलनी पड़ सकती हैं। और साथ ही साथ आज आप किसी को छेड़खानी करने से आपको बचना होगा। आज आप लोग किसी को छेड़खानी बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको ही संकट समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और इनके साथ ही दोस्तों आज आप लोगों को बुरे लोगों से भी दूरी बनाए के रखने की आवश्यकता होगी। दोस्तों जो लोग बुरे काम करते हैं उन लोगों से आज आप लोगों को 10 कदम दूरी ही रहने का प्रयास करना होगा। दूर नहीं रहेंगे तो आज आप लोगों को बहुत बड़ी समस्या, संकटों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों जो जातक बुरे काम करते हैं उनसे आज आप लोगों को दोस्ती नहीं रखना है, उनसे आप लोगों को दूरियां बनाकर रखने की आवश्यकता होंगी। और आज आप लोगों को बिल्कुल भी किसी प्रकार के विवाद में आपको नहीं फंसना है। अगर आज आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों को बहुत बड़ी समस्या भी झेलनी आज पड़ सकती हैं। तो ऐसे में आज आप लोगों को इन बातों का ख्याल रखना है और ऐसी गलतियाँ आज आप बिल्कुल भी ना करें। जी दोस्तों अगर आज आप लोग ऐसी गलतियां को करने से खुद को बचा रहेंगे तो दोस्तों यह दिन आप लोगों के लिए बहुत ही खास रहेंगे, और आपको दोस्तों कोई परेशानी, कोई मुसीबत दोस्तों छू भी नहीं सकते हैं। और दोस्तों कार्य और कारोबार और निजी जीवन के क्षेत्र में आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली हैं। अगर दोस्तों इन क्षेत्रों में कुछ एक समस्याएं से आप काफ़ी लंबे समय से घिरे हुए थे तो आपकी यह समस्याएं आज दूर होने वाले हैं। और वहीं पढ़ने लिखने वाले छात्रों का अगर मन काफ़ी लंबे समय से पढ़ाई में दोस्तों दूर रहते थे, पढ़ाई से उछड़ गए थे, तो उनकी यह भी परेशानी आज दूर होने वाली हैं। और उनकी शिक्षा में जो भी अड़चनें आ रही थी, जो भी प्रकार की परेशानी आ रही थी दोस्तों, उन अड़चनों से आज आप लोगों को मुक्ति भी मिलेंगी। और दोस्तों यदि आप विदेश में अपना करियर या फिर कारोबार को बनाने के लिए प्रयास थे तो आप लोगों को इस दिशा में मनचाही सफलता आज आप लोगों को मिलने वाला है। और अगर आपने किसी भी काम को पूरे करने के लिए आपने जो भी दोस्तों कदम बढ़ाए होते आपका वह कदम आज सफल भी होने वाला है।
और आज आपके धन की स्थितियां भी काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। दोस्तों आज आप लोगों को वाहन से धन की प्राप्ति होने वाली हैं। दोस्तों जिन लोगों को आपने काफ़ी लंबे समय पूर्व ही धन दिए थे, जिस कारण से आज आप लोग काफ़ी खुश दिखाई दे सकते हैं और आज आपको अपने व्यवसाय में भी काफ़ी अच्छे धन की प्राप्ति होने की आशंकाएँ बन रही हैं। आज आप लोग अपने व्यवसाय में काफ़ी अच्छे लाभ भी कमा सकते हैं। और दोस्तों आज कागजी काम करते समय आप लोगों को बहुत ही खूब सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा आज आप लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। दोस्तों आज आप लोग किसी भी कागज पर साइन करते समय दोस्तों उस कागज को आप लोग आज पढ़ लें, और आज आप किसी भी दूसरों की बातों में आकर किसी भी जगह पर आज आप लोग साइन ना करें, नहीं तो आज आपके साथ धोखा भी हो सकते हैं और आप लोग बाद में बहुत ही पछताने वाले हैं। तो इन बातों का आज आप लोगों को बहुत ही ख्याल रखने की आवश्यकताएं होंगी। और दोस्तों घर के किसी भी बुजुर्ग के अगर स्वास्थ्य काफ़ी लंबे समय से ख़राब थे, किसी प्रकार के मन में काफ़ी लंबे समय से चिंतित दिखाई दे रहे थे, तो आज उनकी स्वास्थ्य में कुछ सुधार देखने को मिल सकते हैं और आज आपके मन की जो चिंताएँ थी दोस्तों आज वह दूर भी हो सकते हैं। और इनके साथ ही आज आप लोगों के परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों आज आपको अपने संतान की ओर से कुछ बड़ी कामयाबी का शुभ संदेश आपको मिलेंगे, जिन्हें सुनकर पूरे परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इनके साथ ही अगर आपके परिवार का कोई भी लोग दोस्तों कहीं पर भी विदेश में रहते हैं, तो उन लोगों की ओर से आज आप लोगों को शुभ संदेश मिल सकते हैं, कुछ बड़ी गुड न्यूज आप लोगों को मिल सकते हैं, जिनसे आज आप लोग उनके उस खुशखबरी को सुनकर आपके घर में पूरे परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल सकते हैं। और आज आपको अपने ननिहाल पक्ष की ओर से भी कुछ बड़ी आपको शुभ संदेश की प्राप्ति होने वाली हैं। वो दोस्तों आज आपका सोचा हुआ काम भी पूरा होने वाले हैं, जिस कारण से आज आप लोग काफ़ी खुश होंगे और काफ़ी परेशान में दिखाई दे सकते हैं। और आज प्रेम संबंध की दृष्टि से दिन आप लोगों के लिए बेहद ही खास हैं। अगर दोस्तों जो जातक काफ़ी लंबे समय से सिंगल जी रहे थे, तो उनके जीवन में आज किसी की एंट्री हो सकती है, और जो लोग दोस्तों अपने जीवन में मनचाहे जीवन साथी ढूंढते थे, तो उनकी यह कामना भी आज पूरी होने वाली है, जिस कारण से दोस्तों आज वे लोग भी काफ़ी खुश और काफ़ी परेशान दिखाई दे सकते हैं।